हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आया नहीं कि हमें आम की याद आ जाती है। और एक बार मार्केट में आम मिलने लगते हैं तो हम बहुत सारे रेसिपीज़ बनाने लगते हैं ताकि आम का मौसम चला ना जाए। तो आज मैं कच्चे आम की चटनी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बिना प्रिजर्वेटिव का बनाएंगे लेकिन इसे पूरे साल रख सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इस चटपटी सी चटनी को। तो मैंगो चटनी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है कच्चे आम को छील लें और उसे ग्रेट कर लें ग्रेटर से। मैंने इस तरह के ग्रेटर से इसे जो है ग्रेट किया हुआ है। आपके पास जो भी ग्रेटर उसे आप उसे ग्रेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो है कच्चे आम लिए थे, उसे छील के ग्रेट कर लिया है। तो करीब करीब उसके छिलके और उसकी गुठली को हटा के 400 ग्राम हमारे पास में ये जो है ग्रेट किए हुए आम हैं। अभी सबसे पहले मुझे जो है इस आम को जो है मैं एक कढ़ाई में इसे डाल दूँगी। और जितना आम होता है उतना ही हमें मीठा डालना है। आप चीनी डाल सकते हैं या उसके जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि हाफ मैंने जो है यहाँ पर जो है चीनी डाल दिया है और हाफ जो है मैंने उसके वजन के हिसाब से जो है यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है। और अब इन दोनों को जो है मुझे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हमें अच्छी तरह से पकाना होगा। तो जब तक हमारा ये जो मिक्सचर है ये जब तक ये धीरे धीरे पक रहा है लो फ्लेम पे, तब तक हम लोग इसमें डालने के लिए कुछ मसाले जो हैं रेडी कर लेते हैं। तो एक दूसरे मैंने यहाँ पे फ्राई पैन लिया है और इस पर मैं जो है इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ मेथी। और इन सबको जो है मैं जो है लो फ्लेम में जो है इन्हें हल्का सा भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी जब तक से इससे हल्का हल्का सा धुआं ना निकलने लगे। और फिर इसे पाउडर करके इसे मिक्सचर में ऐड करने दूँगी। तो ये मसाले हैं जिन्हें मैंने रोस्ट किया था, उसे मैं दरदरा पीस ली हूँ। आप इसे चाहें तो खल में भी कूट सकते हैं, मैंने ग्राइंडर में इसे दरदरा पीसा है। और इधर जो मैंने आम की चटनी चढ़ाई थी ये भी करीब करीब हाफ पक गया है। इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे करीब करीब 10 मिनट तक इसे चलाते हुए पकाई हूँ। अब इसमें जो है मैं ये मसाले ऐड करूँगी। अभी ये हाफ पका है, इसमें मैंने ये मसाले जो कूटे हुए मसाले हैं इसे डालूंगी, साथ में थोड़ा सा काला जीरा जो है इसे भी मैंने हल्का सेक लिया था पर इसे कूटा नहीं था तो इसे डालूंगी। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ वाइट वाला और 1/4 टीस्पून जो है मैं काला नमक डाल रही हूँ और साथ में 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर ये डाल रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट में भी खट्टा मीठा सा बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इस सब इंग्रेडिएंट को डाल करके इसे बहुत अच्छी तरह से इसे पकाएं, जब तक ये पूरा एकदम मैशी सा ना हो जाए और बहुत अच्छे से सब मिक्स ना हो जाए। आम भी पूरी तरह से पक जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये चटनी जो है आपका जो है करीब करीब 20-25 मिनट में ये चटनी जो है लो फ्लेम में पकाते हुए जो है ये रेडी हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, करीब करीब 20-25 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम में चलाते हुए जो है ये चटनी जो है मेरी रेडी हो गई है और मैं अभी फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। फ्रेंड्स, ये चटनी आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसे पराठे पूरी के साथ भी बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप इसे जो है जब ठंडा हो जाए तो किसी जार में डाल करके इस तरह के जार को, लेकिन जार को आपको पहले जो है अच्छे से गर्म पानी से धो के अच्छे से सुखा लें ताकि इसमें किसी भी तरह का फंगस या बैक्टीरिया ना रहे। तो इसे करके उसमें डाल करके आप इसे काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।